हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसमें जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural world 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले पिंक कलर का ऊन ले लिया है। ये ना ही बहुत मोटा ऊन है और ना ही बहुत पतला ऊन है, मीडियम साइज़ का ऊन है। साथ ही साथ हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया भी ले ली है। तो चलिए अब हम कान्हा जी के लिए विंटर ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लूप बनाना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम एक लूप बना लेंगे और उंगली में ऊन को लपेट लेंगे। अब जो हमने ये लूप बनाया है, इसके अंदर हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। फिर से हम क्रोशिया को ऊन के नीचे से डालेंगे और हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पर एक चेन बन गई। फिर से हम ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसा कर लूप में से निकाल लेंगे, तो दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 22 चेन बना लेनी है। हमने टोटल 22 यानी कि 22 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ लास्ट में जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब हम दो चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे, यानी कि 22 चेन हमने बनाई है, दो चेन हम और बनाएंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो जो दो चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसको हमें छोड़ देना है और तीसरी चेन में हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। दो फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकाल लेंगे। दो फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हमें तीन चेन बनानी है, एक, दो और ये तीन। तीन चेन बनाकर हम इसको पलट लेंगे। देखिए, हम जो ये तीन चेन बनाते हैं ना शुरू में, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। तो क्रोशिया में तीन फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दो फंदों से निकालना है। दो फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई है। अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। क्रोशिया में तीन फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दो फंदों से निकालना है। दो फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालना है। इसी तरीके से इसके बाद वाली चेन में भी हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है, इसी चेन में डालना है, उनको फंसा कर निकालना है। तीन फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है। दो फंदे बचे तो फिर से क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है। अब इसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ से लेकर के लास्ट तक हमें हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब ये बिल्कुल गोल शेप में आ जाएगा। अब हमें फिर से तीन चेन बनानी है, एक, दो, तीन, और तीन चेन बनाने के बाद हमें इसको फिर से पलट लेना है। पलटने के बाद इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, जो तीन चेन हमने बनाई थी वो भी डबल क्रोशिया थी, फिर उसके बाद वाली चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से दो बार डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार और ये दो बार। अब इसके आगे की दो चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन में बनाया हमने, ये दूसरे चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम फिर से एक ही चेन में से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया हमने, इसी में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इसी तरीके से इसके आगे की दो चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। तीन चेन बनाकर अब हम इसको पलट लेंगे और इसके आगे की आठ चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में हमने जो तीन चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। उसके आगे की आठ चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली, तो अब टोटल नौ डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें इसके आगे की तेरह चेन यानी कि थर्टीन चेन काउंट करके छोड़ देनी है और फोर्टीन्थ चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 13 चेन हमने छोड़ दी और 14th चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे तो कान्हा जी की स्लीव बन जाएगी। इस तरीके से देखिए ये कान्हा जी की स्लीव बन गई है। हमें थोड़ी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। अगर हम छोटी स्लीव बनाते हैं ना तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 15 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। हमने देखिए एक डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर उसके आगे की 15 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया और बना ली, तो अब टोटल 16 डबल क्रोशिया हो गई हैं। हमें फिर से 13 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 14वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 13 चेन हमने छोड़ दी, 14th यानी कि 14वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाकर दूसरी स्लीव बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी स्लीव भी बन गई। अब इसके आगे 8 चेन बची है तो उसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया बनाई है, 8 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएगी, जैसे कि हमने आगे की तरफ भी 9 डबल क्रोशिया बनाई थी। किनारे से भी 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें फिर से तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, और यहीं से इसको पलट लेना है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल दो लाइन बनानी है। हमने देखिए टोटल दो लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब चोली बनकर बिल्कुल तैयार है, हम घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए हमें सबसे पहले तीन चेन बनानी है, एक दो और ये तीन। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से दो बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार हमने बनाया डबल क्रोशिया, अब इसी में से एक बार और बना लेंगे। तो पहले हमने जो तीन चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे, फिर उसके बाद वाली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद वाली चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे की दो चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक चेन में। अब दूसरी चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और ये दूसरी बार। फिर से देखिए इसके आगे की दो चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। अब हमें इसको पलट लेना है। हमने देखिए जो तीन चेन बनाई वो भी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार हमने बनाई, अब इसी में से एक डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वाली चेन में से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक बार हमने बनाई, अब इसी में से एक बार और बना लेंगे। तो देखिए पहले जो हमने तीन चेन बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर उसके बाद वाली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर उसके बाद वाली चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे की दो चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और तीसरी चेन में से हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे की दो चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद दो लाइन और बना लेनी है, यानी कि हम टोटल तीन लाइन बनाएंगे। हमने देखिए टोटल तीन लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत ही परफेक्ट गोल घेर बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो पहले हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद ऊन को हमें इसमें से निकालना है और ऐसे खींचकर इसको टाइट करके ऊन को कट करके लॉक कर लेना है। इसको हम एकदम टाइट कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऊन कट कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हमने ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है क्योंकि पिंक के साथ वाइट कलर का ऊन बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए मैं ये वाइट कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ। आप जिस भी कलर की ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग का ऊन यूज़ कर लें। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था वहीं पर हमें क्रोशिया को डालना है और ये वाइट वाला जो ऊन है इसको हमें इसमें से फंसा कर ऐसे निकाल लेना है। नॉट लगा कर हम इसको यहीं पर लॉक कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है उसी में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमें टोटल 7 चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने देखिए 7 यानी कि 7 चेन्स बना ली हैं। अब यहाँ नीचे से हम 6 चेन काउंट करके छोड़ देंगे और 7th चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 चेन हो रही है। 7th चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसा कर निकाल लेना है। क्रोशिया में दो फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये चेन यहाँ पे जॉइंट हो गई है। फिर से हम 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर हम 6 चेन काउंट करके छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। दो फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये देखिए ये चेन बनती जाएगी और फिर जॉइंट होती जाएगी। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 6-6 चेन की गैपिंग करते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ लास्ट में सिर्फ 5 चेन बची थी, तो अगर 1-2 चेन लास्ट में कम हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम उसको वहीं पर लॉक कर लेंगे। अब हमें देखिए 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें क्रोशिया में उनको दो बार ऐसे लपेटना है। देखिए दो बार हमने लपेट लिया। अब ये जो चेन है इसके यहाँ से देखिए जो जगह खाली है इसमें से हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसा कर निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें पहले दो फंदों से निकालना है। अब 3 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से दो फंदों से निकालना है। फिर 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये एक बार ट्रिपल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में 2 बारी उनको लपेटना है। यहाँ ये जो चेन के बीच में जगह है यहाँ पे डालना है क्रोशिया को, उनको फंसा कर निकालना है। 4 फंदे हैं क्रोशिया में, क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 3 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। अब लास्ट में 2 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने देखिए पहले जो 4 चेन बनाई थी उसको भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे और उसके बाद हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई। अब ऐसे ही 2 ट्रिपल क्रोशिया हम और बना लेंगे, यानी कि हमें टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए ये हमने 4th ट्रिपल क्रोशिया बना ली। फिर से हम क्रोशिया में 2 बार उनको लपेटेंगे, चेन के बीच से डालेंगे, उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 4 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 3 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर फिर से 2 फंदों से निकालेंगे। अब 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इस तरीके से हमने टोटल 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब हमें फिर से क्रोशिया में 2 बारी उनको लपेटना है और इसी में से 5 बार और ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना लेना है। ये हमने देखिए एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर क्रोशिया में 2 बार उनको लपेटेंगे हम और इसी में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरी बार ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम तीसरी बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये 3। अब हम चौथी बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, अब ये 4 बार। फिर से क्रोशिया में 2 बार उनको लेकर आखिरी यानी कि 5वीं बार हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे।
अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले हमने 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाई, फिर बीच में 2 चेन बनाई और उसके बाद फिर से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से क्रोशिया में 2 बारी ऊन को लपेटना है और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। फिर से हमने देखिए 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब हम 2 चेन बनाएंगे, बीच में 1 और ये 2। अब हमें फिर से इसी में से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। हमने फिर से देखिए 5 बार इधर भी ट्रिपल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से इसके आगे वाली चेन में भी हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर उसी में से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी लास्ट लाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक फंदा बचा है तो हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ बीच में 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जो बीच में 2 चेन बनाई थी उसके बीच में हमें देखिए ऐसे डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनानी है। ओके, अब हम 12 चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब देखिए बीच में जो ये 2 चेन बनाई है हमने उसके बीच से हमें फिर से ऐसे क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे जॉइंट हो गया है इस तरीके से। अब हम फिर से 12 चेन बनाएंगे। फिर से ये जो बीच में 2 चेन बनाई है हमने उसके बीच में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों के बीच से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ऐसे हमने देखिए 2 चेन बनाई। फिर से हम 12 चेन बनाएंगे। 12 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी में डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकालना है। देखिए ये लॉक हो गया। तीनों चेन्स को लॉक करने के बाद अब देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। फिर 5 ट्रिपल क्रोशिया छोड़कर बीच में यहाँ से हम डालेंगे। देखिए इधर भी 5 ट्रिपल क्रोशिया है और इधर भी 5 ट्रिपल क्रोशिया है, तो बीच में हम ऐसे डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब हम फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इधर वाली डिज़ाइन शुरू हो गई है। यहाँ जहाँ हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक किया है वहीं पर देखिए ये वाली चेन ख़त्म हो रही थी। अब यहाँ से दूसरी चेन शुरू हो रही है। तो हमने फिर से 4 चेन बनाई, बीच में जो हमने 2 चेन बनाई है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक करेंगे और फिर से 12 यानी कि 12 चेन बनाएंगे। जो 2 चेन हमने बनाई है उसी में सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें। ऐसे हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे होंगे तो क्रोशिया में उनको लेकर हम इसको लॉक कर लेंगे। 1 चेन बन गई। फिर से हम 12 चेन बनाएंगे। फिर से जो जगह है यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकाल कर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे हमने 2 चेन्स लॉक कर ली हैं। फिर से हम 12 चेन बनाएंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाकर हम इसको लॉक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी डिज़ाइन भी बन गई है। फिर से हमें 4 यानी कि 4 चेन बनानी है, 2 3 और ये 4। अब 5 ट्रिपल क्रोशिया छोड़कर बीच में हमें ऐसे क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से हमने डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ लास्ट में एक फंदा बचा है तो हम इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें टिप टैप बटन हुक या वेलक्रो लगा लेना है, जिससे कि हम कान्हा जी को ड्रेस पहना कर इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। फिर देखिए ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।